तो वहीं पश्चिम बंगाल में एक और कैश कांड सामने आया है। पुलिस ने 49 लाख रुपए बरामद किए हैं। ये पैसे झारखंड के कांग्रेस विधायकों से बरामद हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। ₹500-500 के नोटों की गड्डी, काली रंग की कार, काली कार में सफेद पोश विधायक। पश्चिम बंगाल में एक और कैश कांड से हड़कंप मच गया। नोटों की गड्डियों के साथ पुलिस ने हावड़ा से 3 कांग्रेस विधायकों को पकड़ा। हालांकि ये विधायक पश्चिम बंगाल से नहीं बल्कि झारखंड के जामताड़ा से संबंध रखते हैं। हावड़ा में गिरफ्तार कांग्रेसी विधायकों के नाम इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल। विधायकों को हावड़ा के पांचला थाना लाया गया है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के पांचला थाना इलाके में झारखंड के 3 विधायकों को रोका गया है। उनकी गाड़ी से, जामताड़ा विधायक लिखी हुई एक काली गाड़ी से लाखों रुपए बरामद हुए हैं। मशीनों को लाया गया है उन नोटों को गिनने के लिए और विधायकों से लगातार पूछताछ हो रही है। विधायकों की गाड़ी से 500-500 की ढेरों गड्डियां बरामद हुई। गिनने के लिए बैंक अधिकारियों को बुलाया गया। मशीन से पैसों की गिनती हुई। पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी। खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 से इन विधायकों को धर दबोचा। विधायकों की काली रंग की गाड़ी से बेहिसाब नगदी का क्या है राज, कहां ले जा रहे थे पैसे, इन सवालों का जवाब जानने के लिए झारखंड के कांग्रेसी विधायकों से पश्चिम बंगाल की पुलिस पूछताछ कर रही है। तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस विधायकों के पास से मिले कैश पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नोटों की गड्डियां कांग्रेस विधायक की गाड़ी से मिली। नोटों के साथ विधायकों को पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन कांग्रेस को इसमें बीजेपी की साजिश नजर आ रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नोटों की गड्डियों को ऑपरेशन लोटस से जोड़ दिया। जयराम रमेश ने कहा है, झारखंड में भाजपा का ऑपरेशन लोटस हावड़ा में बेनकाब हो गया। दिल्ली में हम दो का गेम प्लान झारखंड में वही करने का है जो उन्होंने महाराष्ट्र में एकनाथ देवेंद्र की जोड़ी से करवाया। खुफिया जानकारी के आधार पर बंगाल पुलिस ने कार्रवाई की। नोटों की गड्डियों के साथ कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल को धर दबोचा। कांग्रेस का आरोप है कि इन गाड़ियों की साजिश के पीछे बीजेपी है। बीजेपी झारखंड सरकार को गिराने की साजिश रच रही है। देख रहे हैं पूरे देश में क्या चल रहा है और जिस तरह से आसाम सेंटर बना हुआ है, चाहे महाराष्ट्र की घटना देखिए, तो सारी बातों के को अगर अब हम जोड़ के देखते हैं तो निश्चित रूप से ये दिखाई देता है कि सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। नोटों के बंडल पर झारखंड की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई। बीजेपी ने झारखंड सरकार के विधायकों पर सिर्फ पैसा बनाने का आरोप लगाया। जब से यहाँ सरकार बनी है झारखंड राज्य में किसी से छिपा हुआ नहीं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। सवाल की जो स्पेशल जनता का विकास होना चाहिए वह काम नहीं करके लोग अपनी गाड़ी, जनता की गाड़ी कमाई को जगह जगह लोग खपाने का काम कर उससे निमित्त है। ABP News आपको रखे आगे।